हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें संचेति फैशन स्टूडियो और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई नई वीडियोस देखने के लिए। आज मैं आपको एक बहुत ही टेम्पटिंग सा वीडियो दिखाने वाली हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगी 36 साइज चेस्ट के लिए ब्रा कैसे बनाएं, और वो भी पुरानी जो लाइलेक्स वाली टी शर्ट है ना, उनका यूज करके। तो टी शर्ट से हम ब्रा कैसे बनाएं एकदम सिंपल तरीके से। आप देख सकते हो, ये है मेरे पास पुरानी टी शर्ट और इसको मैंने खोल लिया है, इसकी जो साइड्स है उसको मैंने कट कर लिया है। और अब हम ये जो, क्योंकि लाइलेक्स का कपड़ा है बढ़िया है और नई थी, घर में नो नहीं पहनते हैं या फिर छोटे बड़े हो जाते हैं कपड़े, तो हम उनका यूज कर सकते हैं। तो आज मैं इस टी शर्ट से आपको 36 साइज की ब्रा बनाना बता रही हूँ। तो चलिए इसकी जो कटिंग है वो कर लेते हैं, पूरा मेजरमेंट बताऊँगी और सिलाई भी। तो इसको आप पूरा देखिए और अपने घर पर बनाइए जी, कि सिर्फ जो फेब्रिक हमारे नहीं काम आते हैं, नहीं यूजेबल होते हैं, उनका यूज करके हम अपने सैकड़ों रुपए बचा सकते हैं। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम ये अच्छे से ट्यूटोरियल आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की ट्यूटोरियल ब्रा बनाने की 36 साइज के लिए। ब्रा का पैटर्न कटिंग करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम एक सादा पेपर लेंगे। आप किसी भी साइज का कटिंग कर सकेंगे इस, अगर आप पैटर्न को समझ लेंगे तो। यहाँ पे मैंने लिया, आप देख सकते हो ये 9 इंच, और इस तरफ से भी आप देख लीजिए ये 9 इंच, दोनों साइड से 9 इंच के हैं। तो आप इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में कर लें। पहले मैंने इसको ट्रायंगुलर शेप में कर लिया है, और ट्रायंगुलर शेप में करने के बाद हम इसको 1 इंच नीचे करेंगे। ये देखें, ये मैंने कर दिया है 1 इंच नीचे। तो अब हम इसको इस फोल्ड करेंगे 1 इंच नीचे। पॉइंट आया नहीं है ना अभी, ये आ गया पॉइंट। तो इसको मैंने कर दिया, ये देखिए ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये 1 इंच नीचे इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ये ट्रायंगुलर शेप में ही है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट्स को क्या है, 1 इंच ऊपर बढ़ा लिया है। तो अब आपको इस पार्ट्स पे ऊपर का पार्ट्स को कटिंग करना है। तो सबसे पहले ऊपर की तो हम ले लेंगे 1/2 इंच, ये ले लिया है ना, ऊपर का पॉइंट लगा दिया है। अब इसके बाद आपको इस तरह से इसको मिडिल सेंटर भी बनाना है। तो ये होगा हमारे ब्रा का मिडिल सेंटर, ये क्या है, सेंटर पॉइंट हो गया है। इस तरफ पे हम लगभग 4.5 के ऊपर में एक पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ से इस तरफ गोलाई करेंगे तो 4.5 चाहिए, और क्योंकि 36 के कर रहे हैं और यहाँ से भी हमें 4.5 चाहिए, तो ये पॉइंट हो गए। ये दोनों इस पॉइंट से 4.5 इंच दूरी पर, ये 4.5 इंच दूरी पर ये। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देते हैं, दो इंच का, और 1/2 इंच के नीचे एक पॉइंट और लगा देते हैं। और इस तरफ भी हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये होगा 2 इंच का यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अब इस तरफ में हम इसकी जो फ्री हैंड से आपको गोलाई देंगे इस तरह से, और इस तरफ में हम इसकी आर्मोल बनाएंगे तो वो होंगे थोड़ी ज़्यादा, तो आर्मोल की गोलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये हो गई हमारी आर्मोल साइड, वो हो गई हमारी नेकलाइन साइड। आर्मोल साइड ये हो गई है नेकलाइन साइड। ठीक है, अब ये जो हमने पॉइंट 1/2 इंच नीचे लगाया है, और इस तरफ ये जो 1 इंच नीचे लगाया है, 0.5 इंच नीचे इस तरफ, 0.5 इंच इस तरफ 1/2 इंच, तो इस पॉइंट को आपको इस सेंटर पॉइंट में मिलाना है। थ्री हैंड से मिलाएंगे इसको भी हम इस तरह से, ये हो गया है। और फिर आपको इस पॉइंट को इस तरह से मिला देना है, इस तरह से मिलाना है। तो ये हो गया आपका ऊपर का पैटर्न तैयार, ब्रा के ऊपर का पैटर्न तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम इस पैटर्न को कटिंग कर लेते हैं 36 साइज के लिए। फिर से इसको आपको चेक कर लेना कि ये 9 इंच का ही है ना, 4.5 पे आ रहा है यहाँ पे पॉइंट, और इस तरफ में भी ये लगभग 4.5 पे ही आ रहा है, तो ये 9 इंच की पूरी इसकी गोलाई है। तो ये एक पैटर्न ऊपर का तैयार हो गया है। अब हम नीचे का पैटर्न कटिंग करते हैं।
का पार्ट्स कटिंग करने के लिए देखिए मैंने लिया है 4 इंच का पैटर्न और ये ऐसे लंबाई में तो वैसे 9 इंच का बराबर ही होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसकी कटिंग करने के लिए अब हम इसको बिल्कुल ऐसे हाफ कर लेंगे। हाफ करके ये इसका सेंटर बिंदु कर लेंगे और यहाँ से हम इसको लेंगे 2 इंच ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे और यहाँ से हम इसको 2 इंच ऊपर एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। और नीचे से हम इसको, चलिए पहले हम इस पॉइंट्स को इस सेंटर पॉइंट में मिला देते हैं। तो इस वाले सेंटर पॉइंट को इस तरफ, ये 2 इंच पे पॉइंट है, तो इस तरह से हमें मिलाना है इसको। मिल गया और फिर इस तरह से इसको आपको वापस नीचे की ओर ले जाना है। तो ये हो गया हमारा नीचे का पैटर्न, ठीक है ना। अब नीचे के पैटर्न को ये जो है ना, ये पूरा शेप 9 इंच का ही होना चाहिए, तो हम इसको चेप कर लेते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा है तो उसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, ये 4.5 का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ से ये 4.5 का पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कर देते हैं। और इसके बाद हम नीचे से इसको रखेंगे 7 इंच की, तो 1-1 इंच दोनों साइड से हम निकाल देंगे, इस तरफ से 1 इंच और इस तरफ से 1 इंच। टोटल इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच की है। 1 इंच इस तरफ से निकाल दिया, 1 इंच इस तरफ से निकाल दिया, और इस पार्ट्स को हमें इस तरफ मिला देना है, इस पार्ट्स को हमें इस तरफ मिला देना है। तो ये हो गया हमारा नीचे का पैटर्न, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। बहुत ईजी है, सिंपल है। देखिए इसको तो हमने सीधे पार्ट्स पे कटिंग किया है, उसको मैंने आपको ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करके, ऊपर वाले पार्ट्स को जो 9 इंच का हमने स्क्वायर में लिया था उसको मैंने ट्रायंगुलर शेप में करके कटिंग किया था। तो उसका आपको ध्यान रख के और पैटर्न तैयार कर लेना, उसके बाद आप जब चाहे इस पैटर्न से ब्रा जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको गोलाई दे देते हैं, ये हो गई गोलाई इसकी, और जो एक्स्ट्रा पार्ट्स उसको हम कट कर देते हैं। इस तरफ भी कट कर दिया मैंने, इस पार्ट्स को भी कट कर दिया मैंने। तो ये है नीचे का पार्ट्स और ये वाला है ऊपर वाला पार्ट्स, ये। तो ये दोनों हमारे ब्रा के पैटर्न तैयार हो गए हैं। और अब हम इसी पैटर्न से, और मैंने आपको पैटर्न से कटिंग करना बताया है, इस तरह से आप पैटर्न कटिंग किसी भी साइज की कर सकते हो, जो भी साइज है ना। बस ये साइज जैसे 9 की आती है तो वो 9.5 की आनी चाहिए, फिर 40 साइज है तो वो 10 की आनी चाहिए, ये गोलाई और ये गोलाई। तो ये ध्यान रखना है तो आपकी ब्रा बिल्कुल सही बनेगी। तो ये दोनों पैटर्न हम इस पे रखेंगे और बराबर में इनके दो दो पार्ट्स कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने इस पैटर्न के बराबर दो पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं, ये दो पार्ट्स हैं, ठीक है। पैटर्न मैंने आपको कट करना बता दिया है, और ये इस तरह से ये ऊपर के दो पार्ट्स हो गए हैं, और ये इस नीचे वाले पैटर्न के बराबर में दो पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं। इसको भी हम खोल लेते हैं क्योंकि हमें तो सिलना है। तो एक पार्ट्स इस तरफ जॉइंट करेंगे, एक पार्ट्स इसमें जॉइंट करेंगे। तो इसका मिडिल सेंटर जान करके दोनों का पहले सेंटर पे इस तरह से करके, इस तरह से करेंगे तो ये वाला सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो इस सेंटर पॉइंट से और इसका ये जो सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पे रख के दोनों को और सील देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे इसको ऐसे पॉइंट लगा दिया, थोड़ा सा निशान कर दिया है और यहाँ पे भी कर दिया है। अब क्या करना है, इसको ऐसे ओपन करना है और इसके ऊपर इसको यहाँ पे रखना है सेंटर पॉइंट पे, इसको इस तरफ सील देना है और इस पार्ट्स को हमें इस तरफ सील देना है। तो ये एक सिलाई इस पर लगा लेनी है बिल्कुल बराबर में रखते हुए, ठीक है। इसी तरह से इस पार्ट्स की भी हम एक सिलाई रख लेंगे, ऐसे ऊपर लगाएंगे और फिर एक सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसके यहाँ पे इस तरह से इसको सील दिया है, तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है और बहुत ही बढ़िया से सील करके तैयार हो गया है। अब हम आप देख सकते हैं मैंने दोनों को सील दिया है, जॉइंट कर दिया है। अब नीचे से मैं इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देती हूँ। ये देखिए नीचे से ओपन है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा ऐसे फोल्ड कर लें, इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, और इसी तरह से इस पार्ट्स को भी हम फोल्ड कर लेते हैं। तो मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है, देख सकते हो थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है, बिल्कुल बारीक बारीक। आप चाहे तो हाथों से भी इसको फोल्ड कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड कर दिया है,
अब हम इस पे लगाएंगे सबसे पहले मैं लेस। तो ये मैंने लेस ली है, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे, एक एक सिलाई करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देंगे। इसी तरह से इस पार्ट्स पे भी करेंगे। एक सिलाई लगाते हैं पहले, यहाँ पे रखेंगे और स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए कट कर देते हैं। ये लिए मैंने डोरी, इसको मैंने सिंगल सिलाई करके फोल्ड कर दिया जैसे कि हम डोरी बनाते हैं वैसे। और ये लिए मैंने 16 इंच की, ये हमें 16 इंच की एक डोरी लेनी है और इसको यहाँ पे हमें ऐसे सील देना है। इसके एक सिलाई ले लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने इसको सील दिया है, वो देखिए ये इस तरह से अंदर की ओर चले जाएंगे। अब हम इसके ऊपर वाली इस ऐसे फोल्ड करेंगे और एक सिलाई ऊपर वाली लगा देंगे, इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर लगानी है हमें। तो ये हमने इसकी सिलाई कर दी है, अटैच हो गई है, स्टिक भी ऊपर वाली अटैच हो गई है और लेस भी अटैच हो गई है। तो अब ये हम दूसरे वाला पार्ट्स लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे इसके एक सिलाई लगा देंगे और सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। पहले इसकी सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पे। ये मैंने इसकी बीच वाली सिलाई लगा दी है। अब ये देखिए ये इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। तो ये देखिए ये मैंने ली है 10 इंच की पट्टी और ये डबल है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 इंच की चौड़ी यानी 2 इंच के डबल फोल्डेड है। तो अभी हम इसकी उल्टी करके एक सिलाई कर देते हैं। तो देखिए इसको हम इस तरह से थोड़ा उल्टा करेंगे और इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए अब मैं करूँगी इसकी इस तरह से सिलाई, तो इस तरह से हम इसकी तिरछी सिलाई करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये 2 इंच की और यहाँ से ये 1 इंच की, इस तरह से इसकी तिरछी सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह की दो पट्टी तैयार कर लेते हैं। सिलने के बाद इसकी एक्स्ट्रा साइड को हम कट कर देंगे और पट्टी को ऑन कर लेंगे। इसको हमें इस तरह से ऑन कर लेना है। तो इस तरह से मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। इसको मैंने ऑन कर लिया है और ये हमने दो पट्टियाँ तैयार कर ली है।
ठीक है। अब हम लेते हैं अपनी ब्रा और इसकी एक साइड में हम इस पट्टी को ज्वाइंट करेंगे, यहाँ पे हम इसको रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे और इसके बाद ये ऐसे पीछे चले जाएंगे, ऊपर की सिलाई लगा देंगे, ऐसे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। पट्टी ज्वाइंट हो गई है इस तरह से, ये बिग साइड में जाने वाली, ऊपर की सिलाई निकाल देते हैं। अटैच हो गई है बैक साइड की पट्टी, की पट्टी अटैच हो गई है। अब हम इस पट्टी पे यहां से बीच सेंटर से 4 इंच की दूरी पे और ये यहाँ पे डस अटैच कर देते हैं इस तरह से, यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो ये वन साइड का बेल्ट अटैच हो गया है और इसी तरह से दूसरी साइड में भी हमने ये बेल्ट अटैच कर लिया है। अब एक साइड पे हम हुक लगाएंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे हम हुक लगा देंगे और एक साइड पे हम ग्लाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम इसको नीचे की तरफ यहाँ पे इसके हुक लगा देंगे और जो दूसरी पट्टी है इसकी साइड में हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करके और ऊपर की साइड में हम इसकी गलाई कर देंगे यहाँ पे। तो आप हुक और गलाई से इसको आप बांध लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ब्रा तैयार है, बन करके रेडी है, एकदम से परफेक्ट, बहुत ही खूबसूरत सी। ये देखिए बिग साइड का बेल्ट है और इस तरफ ये वाला बिग साइड का बेल्ट है, बहुत ही खूबसूरत और सिंपल और इजी तरीके से घर पे आप बना सकते हो। थैंक्स फॉर